Hey what's up guys, welcome back to my another vlog. And like seriously previous vlog में तुमने देखा कि कैसे हमने horse riding किया और अब फटाफट से हम लोग चलते हैं बोट पे क्योंकि हम लोग अभी घूमना है, 40 घाट भी घूमना है, फिर दर्शन भी करना है, फिर स्ट्रीट फूड्स भी खाना है. इन सब के बीच में मेरा आईफोन का चार्जिंग है सिर्फ और सिर्फ 15%. तो कैसे मैनेज करूंगा भाई मैं सब. उसके बाद वो है ना कैमरा है ना उसका थोड़ा कर लेना. फाइनली अब बोट में जाने का टाइम आ गया है. ये सब हम लोग ने ले लिया है और ये चिड़िया को भी देने के लिए ले लिया है. हम लोग खा सकते हैं इसको. फाइनली वापस आ गए बोट में. अब चलेंगे 40 घाट घूमने के लिए और ये थोड़ा बहुत चिड़े को भी खिला देंगे और इसको जला के ऐसा छोड़ना भी है तो वो सब भी करते हैं. चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको आग लगाएंगे और फिर छोड़ेंगे. ठीक है सोया चलो. अब हम लोग यहाँ से जाने वाले 40 घाट घूमने के लिए. सोया चलो फटाफट पहले इसको जला के इसको अर्पित कर देते हैं और फिर थोड़ा ये लोग को खाना खिला देते हैं. खाना नहीं कह सकते जो भी है 10 वाला वो. फिर चलो नहाने के बाद में लगता है मेरे पाप नहीं धुले हैं जस्ट बिकॉज ये एक नॉर्मल सा जल रहा नहीं में से. देखते हैं इसके पाप धुले हैं या नहीं. मैंने पाप कभी किए ही नहीं तो धुलेंगे क्या. बट आई विल ट्राई. इतनी तो जब से ये लोग जला रहे तब से ये वाला मैं दे देता हूँ चिड़ियों. आ जाओ 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 चीज. लिटरल में मैंने नोटिस किया है ये लोग भूखे मर जाएंगे बट ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे. यहाँ हाथ में रखोगे तो नहीं आएंगे, बस ऐसे पानी में छोड़ दो फटाक से आ जाएंगे. बाय 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 बाय. ओके फाइन. सो फाइनली हम लोग ने छोड़ दिया और वो हम लोग का जा रहा है देखो वहां पे. और अब तक कितने कितने घाट पहुंच गए भैया. वाओ 5-6 घाट हो चुका है. सीरियसली मैंने तुम लोग को अब तक 50% भी नहीं दिखाया है और मेरा आईफोन का चार्जिंग 13% है. अब मेरे को आईफोन के चार्जिंग का कहीं ना कहीं से तो भैया जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना. जितना स्टाइल में बैठा है तू, पीछे इतना बढ़िया तेरा व्यू है, है? फोटो फोटो मरता है. अगर तू मेरे व्लॉग में भी आ जाए ना तेरा इतनी अच्छी फोटो का तो स्क्रीनशॉट ले सकता है समझा. एक से एक सीन ले जाओ तेरा. ठीक आ रही है वरना कुछ बोलता हूँ. हाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे और यहाँ से तुम लोग पीछे का व्यू देख पा रहे होगे. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और मैं जब से आया हूँ तब से तुम लोग को एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, व्यू दिख रहा होगा, व्यू दिख रहा होगा. क्योंकि यहाँ पे यार ऑफकोर्स व्यू भी देखो ना. मतलब बनारस की भैया बात ही अलग है. जब लोग कहते थे ना तब मैं समझता था लेकिन अब आके ना मैंने प्रैक्टिकली देख भी लिया है कि भैया ये है बनारस. मतलब तुम लोग खुद ही देख लो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है. इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल तुम लोग ने कहीं कुछ नहीं देखा होगा. एंड जब से मैं गाँव में आया हूँ तब से ही लेके मैंने एकदम बेस्ट व्लॉग्स बनाए हुए. नहीं तो मुंबई में मैं सिर्फ एक स्टूडियो में बैठ के अपना चेहरा दिखाया करता था. बट इसको कहते हैं मे बी द रियल व्लॉग. मतलब कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लग रहा. मतलब मेरी आंखों से कितना अच्छा लग रहा है ना. मतलब कल भी मैं इतने ब्यूटीफुल प्लेस पे गया था, आज भी इतने ब्यूटीफुल प्लेस पे गया हूँ. वाह. और मैं तुम लोग को फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो क्योंकि ऐसे ही वीडियोज मैं अब तो पक्का लाते रहूँगा क्योंकि मैं ऐसे प्लेसेस पे और जाने वाला हूँ. फाइनली अब बोटिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है. एंड लिटरल में मेरे आईफोन का चार्जर सिर्फ 6%. मैं इसको बोल रहा हूँ कुछ इंतजाम कर मेरे. ये बीच में इंतजाम करो कि आज पानी से लाइन करके चार्ज करते हो. जहाँ अंदर गए लॉकर में रखना पड़ेगा तब मंदिर में जाओगे. तो मैं सोचा जब तक मंदिर में तब तक कहीं से रख के चार्ज कर सकूँ. क्या नहीं कर सकता ना क्योंकि चार्जिंग तो कार में है. सुन अब कुछ मत दिखा, बोल दर्शन करके आ गए हैं उसके बाद बता. हाँ राइट क्योंकि दर्शन में फोन तो अलाउ नहीं है. सो नाउ आई विल शो यू The only truth of life, और वो है फाइनली ऑलमोस्ट क्या अब खत्म ही है बोटिंग. अब हम लोग वहां से जाने वाले हैं वापस घाट पे और फिर वहां से हम लोग सीधा ऐसे जाएंगे दर्शन करने के लिए.
एंड लिटरल में मेरे आईफोन का चार्जिंग अभी सिर्फ 5% है, वो भी विद DSLR। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि मैं DSLR लेके आया था। और ये बोट इतना लहरा क्यों रहा है, क्या मैं मरने वाला हूँ? सब सही है, शाम को थोड़ी लहर आ जाती है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम को जब गंगा आरती हो तो हम लोग वो टाइम पे बोट पे ही हो, क्योंकि यहाँ से काफी बढ़िया व्यू आने वाला है गंगा आरती का। एंड सो फाइनली बोट हम लोग के किनारे पे पहुँच चुकी है। एंड कुछ भी बोलो भैया, ये वाली बोट राइड तो बहुत ज्यादा ही वर्थ थी। क्यों, क्या बोलता है? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ये तो आ रहे ही नहीं थे भैया, बट मजा आ गया। टोटली वर्थ। हम लोग ने लिटरली में नहा लिया, हॉर्स राइडिंग कर लिया, इतने में ही सोच कुछ एक दो घंटे के आसपास में सब हो गया। श्रेया, अब सिर्फ लास्ट एक चीज रह गया है, वो है गंगा आरती देख लेंगे बस, और स्ट्रीट फूड पे कुछ खाना है। बोट से निकल गए हैं और अब चलते हैं सीधा दर्शन करने के लिए। एंड मंदिर के अंदर तो फोन अलाउड होगा नहीं, सो फोन को फिलहाल अंदर रखूंगा। एंड चार्जिंग लिटरल में 5% है और आईफोन बहुत जल्दी चार्जिंग उतर जाती है। और दूसरी बात ये, इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चार्ज होने में। एंड सो अगेन हम लोग गली 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 अब चलने वाले हैं दर्शन करने के लिए। और ये थोड़ा गली भी अलग लुक देता है, ये गली वाले में, मतलब ये गलियों का थोड़ा वाइब अलग है ना। वाह, मतलब देख रहे हो, मस्त मस्त। फाइनली अब जो है अपना सब फोन वोन सामान वामान जो है अब अपने को रख देना है। और ये रहा कैमरा, एक कैमरे में दिखा तो अपना आईफोन, ये देखो वहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो आईफोन 15 प्लस। तो ये रहा लॉकर और अब मैं इसमें डाल देता हूँ अपना आईफोन। बाय बाय बाय। सो फाइनली अभी जस्ट मंदिर से निकले। एंड सीरियसली भैया, गर्दी तो बहुत थी बट वर्थ भी बहुत। 3 घंटे में सब हो गया, 3 घंटे में सब ही हो गया। मंदिर सच में जेन्युइनली बहुत अच्छा था और पूरा गोल्ड का था भैया, है ना? गोल्ड से मतलब नहीं रखा, मंदिर बेस्ट है। और ये 12 लिंग में से एक लिंग है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए और अच्छा इम्पोर्टेंट है। लिटरल में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था, हम लोग को लगा कि हम लोग और दिन नहीं देख पाएंगे, बट अभी सुनने में आ रहा है कि आरती हो ही रही है और जाने में ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत पास में ही है, तो चलो गंगा आरती भी देख के आते हैं। क्योंकि एक टाइम पर हम लोग ने पूरा छोड़ दिया था होप कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, लाइन बहुत ज़्यादा थी, बट अब शायद हो जाएगा। सो फाइनली ज़्यादा आरती नहीं देख पाए जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड है और हम लोग वहाँ पे लेट थे। एक्चुअली हम लोग का प्लान, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया था प्रीवियस व्लॉग्स में, कि हम लोग बोट पे बैठ के देखने वाले थे, बट वहाँ पे ज़्यादा टाइम हो गया तो वो सर जाने का मौका ही नहीं मिला भैया। अब जब वो सर जाने का मौका मिला ही नहीं तो फिर बात ही ख़त्म है। सो यहाँ अब चलते हैं कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में और खावा लेते हैं मस्त में खाना, और फिर उसके बाद में देखते हैं। ओके फाइन, सो फाइनली दर्शन हो गया, बोटिंग हो गया, नहाना हो गया, घुड़सवारी हो गई, ऊँटों को देख लिया। लिटरल में आज एक दिन में इतनी क्रियाएं कर ली कि पूरे लाइफ को मिला दे तो उतनी क्रियाएं नहीं किया होगा मैंने। एंड लिटरली अब हम लोग कार में बैठ गए और वापस घर पे जाने के लिए रेडी हो गए। सो यार अब फटाफट से चलते हैं घर पे, थकावट तो इतनी ज़्यादा लगी है मैं दोनों को बता नहीं सकता। सिर्फ एक चीज़ मिस हो गया, मिस नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत छूट गया, वो कहते हैं आरती नहीं हो पाई, जिस वजह से हम लोग वहाँ मंदिर में बिजी हो गए और फिर जब आए तो आरती के लिए बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड वाला क्राउड हो गया था, तो हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए। सो यार दिस इज़ इट फॉर टुडेज ब्लॉग। अब मैं सीधा घर पर जाऊँगा, सो जाऊँगा। अभी घर पर पहुँचने में अभी भैया कुछ 3-4 घंटे भी लगने वाले हैं, 11-12 बज जाएगा, तो घर पे पहुंचते ही सो जाऊंगा मैं। सो यार दिस इज फॉर टुडे ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तुम लोग से कल, बाय।